नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। नशीली और प्रतिबंधित दवाओं का बड़ा जखीरा बरामद, भारी संख्या में गर्भपात करने वाली दवाएं भी बरामद। एमटीपी किट के 200 से अधिक पैकेट बरामद। रानिया रोड स्थित एक गोदाम से मिला पूरा जखीरा। 20,000 ट्रामाडोल, 408 नशे के फोर्टविन इंजेक्शन, 1200 अल्ट्राजोलम गोलियां बरामद। इसके अलावा प्रतिबंधित ऑक्सोटोनिक्स के 3400 वायल्स बरामद। आरोपी किराए पर गोदाम लेकर करता था गोरख धंधा। आरोपी शेखरचंद नामक युवक काबू किया गया है। पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर व वरिष्ठ दवा नियंत्रक निरीपन गोयल ने किया है गोदाम का जायजा। स्वास्थ्य विभाग की टीम व CIA टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की थी कार्रवाई। आप देख रहे हैं पल पल, सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। सिरसा के बेगू रोड पर स्थित गिरधर मेडिकल हॉल पर की गई छापेमारी से पुलिस को कई अहम सुराग हासिल हुए हैं। मेडिकल हॉल के संचालक से जब पूछताछ की गई तो पुलिस को मुख्य सप्लायर का पता चला। रानिया रोड पर स्थित बाबा बिहारी समाधि के नजदीक गली में नशीली दवाओं का एक गोदाम बनाया गया था। यह गोदाम सुरजीत और पप्पू चावला का बताया जा रहा है। शेखरचंद नामक व्यक्ति इसे किराए पर लेकर के यह गोरख धंधा चला रहा था। आरोपी शेखरचंद को काबू कर लिया गया है। आरोपी ने खुलासा किया है कि बिहार से सभी प्रतिबंध दवाएं लेकर आता था। पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर व वरिष्ठ दवा नियंत्रक निरीपन गोयल के नेतृत्व में पुलिस ने गोदाम का जायजा लिया। गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। साथ ही 200 से अधिक MTP किट बरामद हुई है। MTP किट का इस्तेमाल गर्भपात में किया जाता है। इसके अलावा 20,000 ट्रामाटोल, 408 नशे के फोर्टविन इंजेक्शन, 1200 से अधिक अल्प्राजोमल गोलियां बरामद की गई है। छापामारी में प्रतिबंधित ऑक्सोटोनिस के 3400 वायल्स बरामद किए गए हैं। ऑक्सोटोनिस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए किया जाता है। पुलिस ने NDPS सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। किस तरह की आज बड़ी खेप पकड़ी है सर? आज ये नशा के खिलाफ जो अभियान यहाँ सिरसा में चला रखा है हम लोगों ने प्रबल प्रहार, उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है हमें। इवनिंग टाइम में हमने रेड किया था बेगू रोड पे, एक मेडिकल स्टोर पे, गिरधर मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे भी नशीली दवाइयाँ मिली थी। और वहाँ DCO साहब की जो टीम है वो और प्लस हमारी CIA की टीम ने ज्वाइंट रेड किया था। और उसके बाद फर्दर जो लीड मिला हमें वो वार्ड नंबर 22 तक हमें ले आया। और वहाँ पे ये शेखरचंद है, इसने एक स्टोर बना रखा था और सुरजीत ओनर है इस बिल्डिंग का, जहाँ पे उसने ये एक किराए पे मकान ले रखा था, वहाँ पे स्टोर कर रखा था। और यहाँ पे जब छापामारी की गई तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जो NDPS मटेरियल्स हैं, कैप्सूल्स हैं, MTP किट है, इंजेक्शन हैं, बैंड, वो सारी चीज़ें यहाँ से रिकवर हुई हैं। और अच्छी खासी तादाद है इसमें जो हम देख रहे हैं फिलहाल। फर्दर ये जो यहाँ से सप्लाई करता था जिनको, उन पे भी अभी हम रेड के लिए टीम भेज रखे हैं। फर्दर और भी लीड हमें कुछ मिल सकता है। और अभी जो इससे पूछताछ की गई है, इस बंदे का नाम जो स्टोर कर रखा था शेखरचंद है, और जो इसे ये बातें बता रहा है, ये कह रहा है कि 10 साल से इस बिज़नेस में लगा हुआ था वो। और चीज़ें जो अभी तक बात सामने आई हैं वो ये कह रहा है कि हम गया बिहार से इस चीज़ को मंगाते थे। बाकी चीज़ें और भी जो हैं उससे पूछताछ जब करेंगे तो और भी कहाँ से ये चीज़ें आती थी वो और भी क्लियर होगा। और उसके बाद फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन में जो टीम जहाँ हमें भेजनी होगी, सोर्स क्या था और कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं। फिलहाल तो अभी एक ही बंदा ये कब्जे में आया है, काबू में आया है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके। MTP की जो किट्स हैं वो 210 अभी जो काउंटिंग किया है, प्लस माइनस जब हम बैठेंगे तो और भी चीज़ें जब प्रॉपर काउंटिंग होगी तो हो सकता है उसमें। और जो बातें अभी तक आ रही हैं ये ह्यूज क्वांटिटी है। अभी तक जो बातें आ रही थी कि हरियाणा में इतनी क्वांटिटी में ये किट नहीं पकड़ी गई थी। अभी हिसार में बता रहे थे कि 100+ कुछ पकड़ा गया था और ये 210 है, ये आज अभी तक नहीं पकड़ा गया था। तो ये बड़े
बड़ा खेप है जो हमने पकड़ा है। ट्रामाडोल जो है अभी लमसम अगर हम बताएं तो करीब 20,000 के करीब जो अभी हम देख पाए हैं वो कैप्सूल हमें हमने रिकवर किया है। पोर्टविन इंजेक्शन है ये हमने 408 रिकवर किए हैं। अल्प्राजोलम टैबलेट जो है ये 1200 हैं। इसके अलावा जो है स्पैज्मो प्रॉक्सीवन ये 720 कैप्सूल्स हैं और ऑक्सीटॉक्सिन जो बैंड है ये 3402 वायल जो है वो हमने रिकवर किया है। तो इसमें जो एनडीपीएस के धारा हैं उसके तहत हम दर्ज करेंगे और ड्रग्स का जो सेक्शन लगेगा इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसमें हम करेंगे प्लस एमटीपी एक्ट जो अलग से है उसमें भी करेंगे और आईपीसी के जो प्रॉपर जो धाराएं जिसमें लग सकती हैं वो सारे धाराओं को लगा के हम इसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। इतनी बड़ी मात्रा में एमटीपी किट इस बात का सबूत है कि ये कहीं ना कहीं मिसयूज तो हो रही है। ये अबॉर्शन के लिए डेफिनेटली है कि ये अबॉर्शन के लिए मिसयूज हो रही है। अब सीएमओ साहब आ रहे हैं एमटीपी एक्ट में इसका मुकदमा आगे प्रोसीड करेंगे बट नेचुरल है कि एमटीपी एक्ट तो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। सर मिसयूज हो रहा था लेकिन ये क्या मानते हैं कि इसका कोई डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है? मे बी दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी कैन नॉट डिस्क्लोज एट दिस स्टेज। बिल्कुल वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसमें जो चीजें सामने आती जाएंगी हम उस पे कार्रवाई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। This is final. सप्लाई पंजाब राजस्थान में की जाती है रहना रहना में जी? नहीं अभी पूछताछ करेंगे उसके बाद चीजें सामने आएंगी। अभी सारा कुछ अभी क्लियर नहीं है, अभी तो जस्ट हमने पकड़ा ही है। अभी सारी चीजें पूछताछ चल रही है, रेट्स भी चल रहा है अभी, तो जो भी चीजें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएंगी सामने हम वहाँ तक पहुँचते चले जाएंगे, उस पर कार्रवाई होती चली जाएगी। सर बीइंग ए ड्रग कंट्रोलर ऐसी कौन कौन सी मुख्य रूप से ऐसी ज्यादातर यूज होती है, कॉमन यूज होती है? ऐसा बेसिकली क्या था ना, अब ये ट्रामाडोल है रिसेंटली एनडीपीएस में आया है, लोग उसका मिस यूज कर रहे थे बट उसका एडवांटेज ये था कि पहले एनडीपीएस में आता नहीं था तो उसमें क्या है लोगों को एक एस्केप रूट मिल जाता था बट अब के एनडीपीएस में आने से लोगों को एस्केप रूट नहीं है। अब हम किसी को नहीं बख्शे, हमारे पहले हाथ बंधे हुए थे इस चीज़ में कि ट्रामाडोल को हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऑक्सीटोक्सिन की भारी मात्रा है मेरी यूज़ में। ऐसा ऑक्सीटोक्सिन जो है ना अभी बेसिकली जी अनलेबल्ड है। ऐसा आपको बता दें कि अभी ये रिसेंटली बैन हुआ है, मे बी अराउंड 1 month बैक, पहले ये बैंड आइटम नहीं थी, अब ये प्रतिबंधित है, पहले नहीं था प्रतिबंधित, हमें उस टाइम हम कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब ये बैंड बैट में रिसेंटली आया है 1.5 महीना पहले।